केवड़िया चाली रहे प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल संबोधन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनिया गुतारेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख और सभी केंद्रीय मंत्रीश्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अनूठे विजन विनियंट कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के योगदान को यूएन ने भी सराहा है और 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का गौरव सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पर्यावरण मित्र जीवन शैली के लिए लाइफ को अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की थी। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कार्यरत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लाइफ को एक वैश्विक आंदोलन बनाया जा रहा है, जो भारत में पर्यावरण मित्र संस्कृति और परंपरागत प्रथाओं का निर्माण करेगा। रिन्यूएबल